I'm your chef Shahina Shumail and you're watching Cooking with Shahina and welcome to start winter season. और आज हम welcome कर रहे हैं winter season को और winter season हो रहा है start. और आज सी फूड हम बना रहे हैं और सी फूड हम कहाँ से बना रहे हैं, सी फूड कहाँ से आया है, तो आज हमारे साथ नूर्स फिशरीज मौजूद हैं जिनके नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, जिनकी वेबसाइट आ रही है, जिनका फेसबुक पेज आ रहा है, वहाँ से हमारे पास आज ये नूर्स फिशरी की जो है फिश मौजूद है और रेड स्नैपर मैंने फिश ऑर्डर करनी थी और मैंने कहा कि नहीं मुझे रेड स्नैपर आज आप भेजें, उनके पास सारी स्पीशीज की फिशेज मौजूद है और आपने जो भी उनसे फिश ऑर्डर करनी है ऑर्डर कर सकते हैं. साथ साथ उनके पास लॉबस्टर, क्रैब्स, प्राउन्स, हर चीज उनके पास मौजूद है. प्राउन्स में फ्लावर प्राउन्स, गोल्डन प्राउन्स, व्हाइट प्राउन्स, सारी वैरायटी ऑफ फिशेस की, प्राउन्स की, लॉबस्टर की, क्रैब की, ब्लू सी क्रैब भी मौजूद है उनके पास. डिफरेंट जितनी भी सी फूड की वैरायटी होती है सारी की सारी, तमाम की तमाम उनके पास मौजूद है. उनके नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप लोग होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं और उनका फ्री डिलीवरी यानी कि नो डिलीवरी चार्जेस, कोई भी उनके डिलीवरी चार्जेस नहीं है, वो फ्री डिलीवरी करते हैं. और साथ साथ जो है वो क्या बन रहा है आज, और आज की रेसिपी का नाम मैं बता दूं, आज बन रही है यहाँ पर थाई स्टीम फिश और बारबेक्यू फिश. आज मेरे पास दो रेड स्नैपर के पीस मौजूद हैं, एक से मैं बनाऊंगी, एक को मैं स्टीम करूंगी फिश को और दूसरी फिश को मैं बारबेक्यू करूंगी. तो आज यहाँ पर मैं आपको दो वेरियंट ऑफ फिश सिखा रही हूँ और चलते हैं अपने इन्ग्रीडियंट्स की जानिब. तो आए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने इन्ग्रीडियंट्स की तरफ. सबसे पहले हम थाई स्टीम, जो हम स्टीम करेंगे फिश, तो मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता दूं, तो उसके बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं. अच्छा, थाई स्टीम फिश के साथ हम बनाएंगे एक ऑरेंज सॉस. तो ऑरेंज सॉस किस तरह बनेगा और क्या होगा, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेलिंग में बता रही हूँ. अच्छा, सबसे पहले तो देखें, मैंने ये फिश यहाँ पर ली है, ये फिश मेरे पास मौजूद है और मैं आपको एक सेकेंड ग्लव्स पहन लूँ और क्योंकि मुझे मैरिनेशन भी करनी है जी. तो ये देखें आप, ये मेरे पास जो मौजूद है ये रेड स्नैपर कहलाती है और इसकी क्वालिटी देख सकते हैं आप, इनकी कितनी फाइन क्वालिटी है, एक्सपोर्ट क्वालिटी की इनकी सारी फिशेस वगैरह होती हैं. अच्छा, और रेड स्नैपर की जो पहचान ये होती है, जो रियल रेड स्नैपर होती है उसमें आप देखें एक रेड सा शेड आ रहा होता है, और जो कि इस सीधा फिश इसके अंदर ये वाला सारा रेड शेड आ रहा है, ये रेड स्नैपर. अच्छा, जो चीज़ इन्होंने लिखी हुई होगी कि ये वाली फ़िश है तो आपको उसी क्वालिटी की फ़िश यहाँ पर दी जाएगी. जहाँ यहाँ पर इनके नंबर्स चल रहे हैं आप ऑर्डर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. अच्छा, साथ साथ जो है मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं कि मेरे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मौजूद है थाई स्टीम फिश में क्या क्या जाएगा. सबसे पहले तो हमारे पास ये जाएगी, ये है लीक होती है, और लीक जाएगी हमारे साथ, सैलरी जाएगी, कैरेट जाएगी हमारे साथ, और इसके अलावा जो है इंग्रेडिएंट्स में और क्या क्या जाएगा ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, मैं वो भी आपको साथ साथ बता दूं. अच्छा जी, सबसे पहले जो हम स्टीम फिश करने रखेंगे उसमें हम ऐड करेंगे सैलरी, लीक एंड देन कैरेट, और साथ साथ हम डालेंगे बे लीव्स और वॉल पेपर्स. तो हम ये चीज़ें डालकर और इसको फिश को स्टीम करने रख देंगे. तो मैं ऐसा करती हूँ, वाटर को हॉट भी करने रख देती हूँ और अपने स्टीमर को ऑन भी कर लेती हूँ. अच्छा, और साथ साथ थोड़े से इंग्रेडिएंट्स मैं आपको और बता दूँ इसके कम्प्लीटली, ताकि आप लोग पजल ना हो कि मैं काम शुरू कर दूँ तो इंग्रेडिएंट्स रह जाए. अच्छा, लोग पजल ना हो जाए तो मैं पहले आपको इंग्रेडिएंट्स ही बता देती हूँ. अच्छा, मैंने स्टीम के जो इंग्रेडिएंट्स आपको वो बता दिए, जो कि हम स्टॉक बनाने में, जनरेट करने में मैरी पू और बुके गार्डनिंग ने कहते हैं, जिसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सैलरी जाती है, लीक जाती है, कैरेट जाती है, वॉल पेपर एंड देन बे लीफ. ये इंग्रेडिएंट्स आपने डालकर और वाटर में डालकर स्टीम कर लेने. अच्छा, स्टीम करने का एक तो ये स्टीमर में स्टीम करते हैं हम, और एक हम घरों में, जो आप लोगों के पास अगर ये मशीन ना हो, कोई स्टीमर ना हो, तो आपने परेशान नहीं होना, एक वॉक लेना है, उसके अंदर आपने पानी भरना है मिड लैंड तक, और देन एक छन्नी स्ट्रेनर रखना है और उस पर फिश वगैरह रख दें और उसको स्टीम करें. अच्छा, साथ साथ जो है मैंने आपको ये बता दिया स्टीम फिश क्या, उसके अलावा जो हमारे सॉस बनाएंगे हम इसके साथ, तो मैं उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूं. सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिया है ऑरेंज जूस, किसी भी कंपनी का अच्छा जो फ्रेश ऑरेंज जूस आपको मिलता है बॉटल्स में या टेट्रा पैक्स में, आप वो ले सकते हैं, लेकिन कंपनी अच्छी देख के लिएगा. तो मैंने यहाँ पर एक पैकेट यानी कि 200 ml वाला मैंने यहाँ पर लिया है ऑरेंज जूस, ईजिली अवेलेबल होता है. ठीक है, ऑरेंज जूस लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूंगी चॉप्ड गार्लिक, साथ साथ मैं ऐड करूंगी शुगर, एंड देन मैं ऐड करूंगी चिली फ्लेक्स और सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करेंगे और कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और इसको हम
तैयार कर लेंगे ऑरेंज सॉस को। ये हो गए ऑरेंज सॉस के इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा जो हमारी बारबेक्यू फिश होगी उसको हम किस तरह मैरिनेट करेंगे, तो उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, अभी नहीं बता रही आपसे, फिर रेसिपी थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएगी क्योंकि आज दो रेसिपीज मौजूद हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, अपनी फिश को मैरिनेट कर लेते हैं। और फिश को मैरिनेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए मस्टर्ड पेस्ट, विनीगर, गार्लिक, ये चीज़ें हमें चाहिए फिश को मैरिनेट करने के लिए। ऑरेगानो डालेंगे हम इसके अंदर, और हम इसके अंदर शामिल करेंगे साथ साथ क्या कहते हैं ऑयल शामिल करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिश को हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे, और सबसे पहले मैरिनेशन में मैं लूँगी इसमें थोड़ा सा ऑयल, और ये मैं ऑयल अपनी फिश पे लगा रही हूँ। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। साथ साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये मस्टर्ड पेस्ट जो मेरे पास मौजूद है, और एक स्पून ले लेते हैं हम, तो ये ले लिया मैंने यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट। तमाम मस्टर्ड पेस्ट की क्वांटिटी थी 1 टेबल स्पून, मैंने मस्टर्ड पेस्ट की क्वांटिटी ली थी। अच्छा जी, साथ साथ मैं इसके यहाँ पर ले रही हूँ विनीगर, 2 टेबल स्पून ऑफ विनीगर मेरे पास मौजूद है, और मैंने यहाँ लिया है विनीगर। इसके साथ मैं थोड़ा सा यहाँ पर डालूंगी ये पैप्रिका पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, और सॉल्ट डालूंगी। और अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख देंगे। ये हम अपने फिश को मैरिनेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपने इसको मैरिनेट करना है। इसमें हम गार्लिक भी ऐड करेंगे, लेकिन मैं जब वेजिटेबल्स कट करूंगी तो उसके साथ हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया है, और आपने इसकी मैरिनेशन टाइमिंग देनी है कम से कम 2 आवर्स और मिनिमम 1/2 आवर। और हमें क्योंकि साथ साथ काम करना होता है तो मैं इसकी मैरिनेशन टाइमिंग नहीं दे रही हूँ, और मैं इसको रख रही हूँ बैक पे, और साथ साथ हम वेजिटेबल्स की कटिंग करते हैं और इसको रख देते हैं स्टीम करने। जी, तो मैंने इसको रख दिया है बैक पर, और अब मैं ले लेती हूँ एक कटिंग बोर्ड, और रफली सी हम चॉप करेंगे अपनी वेजीज को। अच्छा, सैलरी के हमेशा जो होता है वो पत्ते जो है वो तोड़े जाते हैं, उसकी जो ये स्टिक्स होती हैं ये यूज की जाती हैं। और ये मैंने इसको हम कट कर लेंगे, रफली सी कट करना है आपने इसको। और साथ साथ जो होता है लीक जो होती है उसका भी हम ये वाला पार्ट यूज नहीं करते हैं, व्हाइट वाला पार्ट इसको हम रिमूव कर देते हैं, और हम उसका ग्रीन पार्ट यूज करते हैं। तो इसका आप व्हाइट वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, ये स्प्रिंग अनियन के शेप की होती है, लेकिन ये सूप की वेजिटेबल्स कहलाती हैं और थाई कुजीन में यूज होती हैं। तो हम इसको भी रफ रफ सा कट करेंगे। साथ साथ हम कैरेट ले लेंगे, और कैरेट को भी मैंने पील भी नहीं करा है, ठीक है, बस आपने इसको ये इस तरह से रफ सा कट कर लेना है।
इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसके और स्लाइसेस थिन कर लूँ, बहुत ज़्यादा थिकन हो रहे थे। ठीक है, ये हो गई हमारी वेजिटेबल्स कट। और अब हम इसके अंदर जहाँ पर हम वाटर डालते हैं, हम वाटर के अंदर ये वेजिटेबल्स फ्लेवर के लिए ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इससे स्टॉक तैयार होता है। और ये मैंने इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट और साथ साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वॉलपेपर एंड देन बे लीव्स ऐड कर रही हूँ। ये स्टॉक में जो है ना स्टीम होती है फिश। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो वॉलपेपर्स मेरे पास मौजूद हैं और ये ब्लैक पेपर जो हम लेते हैं उसी टाइप के होते हैं, लेकिन ये वॉलपेपर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने वॉलपेपर्स ऐड करे और साथ साथ मैं वाटर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने इस तरह से ऐड कर लिया है। अच्छा, अब मैं फिश जो मेरी मैरिनेट हुई हुई थी उसमें गार्लिक डाल के और मैं उसको जस्ट स्टीम करने रख दूंगी। अच्छा जी, तो मैं यहाँ ले रही हूँ गार्लिक और मैं चॉप कर रही हूँ। अच्छा, इस प्लेट की नीड नहीं है, मैं इसको पीछे रख देती हूँ। अब जी ये भी हम डाल देते हैं इसके अंदर ही और अब कर लेते हैं हम अपने गार्लिक को चॉप। जी, तो गार्लिक हो गया हमारा यहाँ पर चॉप्ड और सारा गार्लिक आपने यूज़ नहीं करना, कुछ गार्लिक मैं अपनी सॉस के लिए रखूँगी और बाकी का जो गार्लिक है मैं फिश पे रख कर और इसको रख देती हूँ मैं स्टीम करना। तो ये गार्लिक हमने इस तरह से इसमें ऐड किया और अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसे हम रख देंगे स्टीम करने। तो फिश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और स्टीमर में थोड़ी सी मुश्किल से एडजस्ट होगी, लेकिन हम एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, ये इस तरह से आपने गार्लिक को रब कर लेना है। इस तरह से देखें कट लगे हुए, आईज रिमूव हुई हुई है फिश की और बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी है नोज फिशरीज की। आप लोगों ने जरूर यहाँ से ऑर्डर करना है, कॉल करनी है और मंगवाना है और फिर देखना है कि इनकी फिश कितनी मज़ेदार होती है और कितनी फ्रेश ये भेजते हैं आपको और होम डिलीवरी की इनकी सहूलत भी मौजूद है और इनकी वेबसाइट भी है, उस पर भी जाकर आपने जो है वो व्यू करना है और देखना है कि आपने क्या ऑर्डर करना है। सारी पिक्चर्स विथ प्राइजेस और इनके सारे लिंक्स वगैरह सब कुछ मेंशन है। अच्छा, ये अंदर से भी आपने लगाना होता है, मैरिनेट करना होता है, तो अंदर के पार्ट को आप ठीक है। ये मैंने सारी मैरिनेशन इसमें लगा दी है और अब मैं इसको इसके अंदर सेट करूंगी। पहले तो हम ये रख देते हैं, देन हमने यहाँ पर इसके अंदर पहले रख लेते हैं फिश को, ताकि इसको थोड़ा सा, मुझे इसका साइज़ जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि ये रखने में हमें, या तो हम इसकी टेल को रिमूव कर देंगे, लेकिन आई विश कि मैं इसकी टेल के साथ ही इसको स्टीम करूँ। तो अभी हम देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी होती है। इसका कवर होना, बंद होना लाजमी है
और ये बंद नहीं हो रही है, तो मैं इसकी जो है वो ये इसको रिमूव कर देती हूँ थोड़ा सा कटिंग बोर्ड पे। फिश काटने के अलग से टूल्स होते हैं, लेकिन हमने अपनी नाइफ से भी इसको कट कर लिया है। ठीक है जी, ये हमने इसकी बोन को कट किया है, अब ये इसके अंदर सेट हो गई है। और अब हम कर देंगे इसको ऑन और इसको अभी हम साफ कर लेते हैं। और आपने इसको स्टीम करने रख देना है, और फिश को हम 10 से 20 मिनट स्टीम करते हैं, तो मैं यहाँ पर 15 मिनट्स का टाइमर लगा रही हूँ और इसको हम स्टीम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसको रख दिया है मैंने स्टीम करने, और बाकी की चीज़ें ये बोर्ड वगैरह मैं यहाँ से रिमूव कर लेती हूँ क्योंकि ये वॉश होगा। और आ जाते हैं हम अपनी सेकेंड मैरिनेशन की तरफ, और सेकेंड मैरिनेशन हमने किस तरीके से करनी है तो वो भी मैं यहाँ आपको बता दूँ। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, बाउल लेने के बाद हमने यहाँ पर लिया है ये बेसन जो कि मेरे पास मौजूद है, और बेसन मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, इट्स इनफ। अच्छा, ये मेरे पास जो मौजूद है वो 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला मौजूद है, तो यहाँ मैं तंदूरी मसाला इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने तंदूरी मसाला लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ये मेरा होममेड मसाला है और मैं इंशाल्लाह आपको बनाना भी सिखाऊंगी। अच्छा, साथ साथ मेरे पास जो मौजूद है वो गार्लिक पाउडर मौजूद है, तो 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर इसमें ऐड किया है, चिली फ्लेक्स मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, साथ साथ चाट मसाला 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, एंड देन साथ साथ ये मेरे पास जायफल एंड जावित्री मौजूद है, और ये पिंच है, मिक्स करके मैं मिक्स करके रखी हुई, आप लोग अलग अलग से भी 1/4 1/4 टीस्पून यानी कि 1/2 टीस्पून डाल सकते हैं इसमें। इसके अलावा जो है वो मेरे पास ये ज़ीरा मौजूद है, ज़ीरा मैंने इसके अंदर शामिल किया है, और साथ साथ जो है मैं अब क्या करूँगी इसको मिक्स करूँगी, और थोड़ा सा अब हम लेंगे पानी। अच्छा, अजवाइन भी है, अजवाइन बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर देती है फिश में, जब भी आप ग्रिल करें, बारबेक्यू करें, रोस्ट करें। अच्छा, आज हम बारबेक्यू मसाले से अवन में रोस्ट करेंगे। अजवाइन डाली है मैंने इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून डाली होगी, और फिश हमारी रोस्ट हो रही स्टीम हो रही है, थाई स्टीम फिश, एंड देन ये यहाँ पर मैं इसको मैंने घोला है। बहुत अच्छे से इसको वेरी फाइन आपने जो है मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल लेंगे हम, कम डालेंगे क्योंकि तंदूरी मसाले में भी सॉल्ट होता है, और चिकन पाउडर में भी, और चाट मसाले में भी, तो सॉल्ट हमने कम डालना है। अच्छा जी, इसको हम करेंगे मिक्स अच्छे से, और स्पून की मदद से मैं ये जो तमाम बैटर मैंने बनाया है ये मैं अपनी फिश पे स्प्रेड कर रही हूँ। फिश के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं फिश खाने के, और फिश से जो है ना बहुत ज़बरदस्त जो है वो
एक तो हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है, हेयर बहुत अच्छे होते हैं, नेल्स बहुत अच्छे होते हैं, और आज मेरे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं और हम उनको ज्वाइन भी करेंगे साथ साथ, और फिर वो आपको बताएंगे फिश के कितने बेनिफिट्स होते हैं। इसलिए मैं चुप हूँ और मैंने सोचा कि वो बताएं आपको तो ज़्यादा अच्छा है। और अच्छा, इस तरह से हमने मैरिनेट करना है फिश को। अच्छा, अब आपने मैरिनेट करने के बाद इसको जो है वो रेस्ट कर देना है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 2 आवर्स के लिए रेस्ट देंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया, और ब्रेक में मैं इसको ग्लास पैन के अच्छे से मैरिनेट कर लेती हूँ, और मैरिनेट करके मैं सिर्फ इसको रख दूँगी। सो ब्रेक का टाइम है, कहीं नहीं जाना, आपने आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाहिना। ब्रेक से वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने सी फूड को, और साथ साथ ज्वाइन करेंगे हमें एक गेस्ट, और मैं मिलवाऊँगी आपको उन गेस्ट से। तो जब तक के लिए देखते रहिए वीनस एसटी टीवी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अवर ब्रेक, और ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं, और सलाम मैंने इनको किया है क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं ये जो है आज हमारे गेस्ट हैं हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं, और बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपकी अपनाइयत का भी, और आपके स्टूडियो की अपनाइयत का, जितने लोग हैं यहाँ पे काम करते हैं सबका। अच्छा जी, तो आज सी फूड बन रहा है और हमने वेलकम करा है विंटर सीजन को, और मैं दोबारा वेलकम करती हूँ विंटर स्टार्ट विंटर सीजन, और विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है हमारा, और साथ साथ हम पूरा वीक बना रहे हैं यहाँ पे सी फूड बना रहे हैं, और साथ हमारे नूर्स फिशरीज मौजूद हैं, उनकी फिश यहाँ पर आज आई है। रेड स्नैपर मैंने मंगवाई थी, मैंने उनसे कहा कि आप रेड स्नैपर भेजिएगा, तो उन्होंने रेड स्नैपर भेजी है, और बहुत अच्छी इनकी फाइन क्वालिटी होती है। आपने भी जो है ना ऑर्डर करना है और मंगवानी है। और अच्छा ये बताएं सी फूड खाने के क्या बेनिफिट्स हैं, साथ साथ जो है वो बेनिफिट्स भी बताएं, और ये भी बताएं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने स्किन के और हेयर और नेल से मुताल्लिक रखा है, और एक रेमेडी भी लेकर आए हैं हकीम शाह नज़ीर, और वो भी हमसे शेयर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आप बताएं फिश के क्या बेनिफिट्स हैं खाने के। शाइना, सबसे पहले तो मैं नूर फूड्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना आसान कर दिया हर चीज़। नूर्स फिशरीज का जी, नूर फिशरीज का जी, क्योंकि इनकी जो फिश है वो तकरीबन हर जगह पे जा रही है। इनको सिर्फ एक कॉल करेंगे आप, आपको सिर्फ कॉल करना है, आपके दरवाजे पे होगी, और जो जो फिश आपको चाहिए वो फिश आपको मिलेगी। जिस तरह आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है ना, मार्केट जाते हैं फिर ढूंढते हैं, तो यहाँ से आपको फ्रेश मिलेगी आपको, तो ये आपके दरवाजे पे फ्रेश चीज़ आ रही है, तो इससे और आसानी और क्या हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो फिश के जो बेनिफिट्स हैं, इसमें ओमेगा 3 होती है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इसमें ये होता है कि आपकी आंखों के लिए बेहतर है, थायराइड ग्लैंड्स के लिए बेहतर है, ये आपको आसाबी कमज़ोरी दूर करेगी आप। दूसरा ये है कि ये धमे के मरीजों के लिए भी बहुत बेहतर है, बलगम रेशा वालों के लिए बेहतर है, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो तकरीबन आप बच्चों में जो है ना, आप बाहर की चीज़ें कोशिश करें कि ना खा लिया करें, क्योंकि जो जो बाहर से आप चीज़ें ले रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के केमिकलाइज ले रहे होते हैं, जो कि आपके नुकसान का सबब बनती है। और बच्चों को हर चीज़ खिलाना सिखाएं, आप सब्जियां भी खाएं, फिश भी खाएं, गोश्त भी खाएं, दालें भी खाएं, ताकि हर चीज़ की आदत हो जाए उनको। हर चीज़ के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, तो इसलिए सी फूड्स का जो इस्तेमाल है वो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं, आसाबी कमज़ोरी हो रही होती है, जिस तरह थायराइड ग्लैंड्स के पेशेंट्स हैं, घबराहट बेचैनी रहती है, दिल के अमराज के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आप फिश का जो है इस्तेमाल, अगर आप रोज़ाना नहीं कर सकते हैं तो तकरीबन हफ्ते में एक बार तो ज़रूर किया करें, क्योंकि इसे सर्दियां और गर्मियां दोनों में इस्तेमाल होती है, जरूरी नहीं कि आप सर्दियों में ही खाएं। अच्छा, ये साल 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ, तो कॉल भी ले लेते हैं। जी जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं अब्दुल्ला हूँ, कराची से। जी अब्दुल्ला, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ।
जी अब्दुल्ला जी, आज हमारा विंटर सीजन को हमने वेलकम किया और सी फूड बना रहे हैं। आप बताएं कि कुछ कहना चाहेंगे, कोई सवाल है? हकीम शाह नजीर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। एक तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका, थैंक यू सो मच। बात असल ये है, क्वेश्चन मैं ये करना चाह रहा हूँ जी, ये बताएं मुझे आप दोनों से, मेरा क्वेश्चन है कि कौन सी फिश खानी चाहिए, कितनी वजह की फिश आती है, कौन सी फिश खानी चाहिए और किस वक्त में खानी चाहिए? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा हकीम शाह जी, आप बताएं, इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? बस अभी यही क्वेश्चन था मेरा, कौन सी फिश खाएं और किस वक्त खाएं ताकि हमारी बॉडी को जो है एनर्जी उस वक्त मिले। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अच्छा जी, इनका एक क्वेश्चन ये है कि हम कौन सी फिश जो है खाएं, और दूसरा क्वेश्चन इनका ये है कि हमें कौन सी टाइमिंग में फिश खानी चाहिए, जैसे डे में 24 घंटे होते हैं तो कौन सा टाइम फिश खाने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। तो वो यहाँ पर अभी हकीम शाह नजीर साहब आपके जवाब का, सवाल का जवाब देंगे। तो आप देखो शाइना, फिश खाने का कोई टाइम नहीं होता। अच्छा। आप इसको दिन को भी खा सकते हैं, रात को भी खा सकते हैं, और फिश के अंदर ये है कि अपने अपनी चॉइस पे बात है, अपनी अपनी पसंद पे बात है कि आपको कौन सी फिश ज्यादा पसंद आती है। बास को रेहू पसंद आता है, सुरमाई पसंद आती है, पापलेट पसंद आती है, तो इसी तरीके से अपने अपनी च्वाइस पे बात है। बाज लोग प्रॉन खाते होते हैं, आप प्रॉन भी खा सकते हैं, आप फिश आप कोई सा भी, बाज लोग ग्रिल करते हैं, बाज लोग फ्राई करते हैं, बाज लोग बारबेक्यू करते हैं इसकी, तो ये अपनी अपनी च्वाइस पे बात है कि आपको पसंद कौन सी। बेनिफिट्स तो आपको हर फिश के अंदर मिलेंगे, आपके ओमेगा 3 तो तमाम फिशों के अंदर मौजूद होती है। ऐसे में तो सबसे ज्यादा गर्म जो होती है वो ट्राउट मछली होती है। अच्छा। बहुत ज्यादा होती है वो, दरिया के उल्टी सिम, जहां से बह रहा होता है उसकी उल्टी सिम पे जा रहा होता है। अच्छा, ब्लैक पॉम्फ्रेट के बारे में भी बताएं कि वो उसका खाने के क्या फायदे? नहीं, आप इसका उर्दू नाम मुझे बताइए। अच्छा, क्योंकि अच्छा। आपका शो पाकिस्तान में देखा जाता है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये इसको जो है ना रोस्ट करने स्टीम रखती हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते। और ये अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसमें बता दूं, अदरक लहसुन पेस्ट भी शामिल किया था 1 टेबल स्पून, और ऑयल भी शामिल किया था। उसके बाद जो ये तमाम मसाला है ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अच्छा जी, मैं आपसे पूछ रही थी ब्लैक पॉम्फ्रेट, यानी कि हम जो है वो पापलेट के बारे में भी, काली जो पापलेट होती है उसके बारे में आप बताएं, और वाइट वाली के बारे में बताएं, और इसके बारे में दरियाई जो मछलियां होती हैं उनका भी बताएं। देखिए, उसके लिए ये है कि जिस तरह आपने दरियाई और समुद्री मछली का बताया, इन सबके बेनिफिट्स एक ही हैं, सब में ओमेगा 3 पाया जाता है, बाद में आयरन भी पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है जो कि आपके आसाब के लिए बेहतर है, इसमें विटामिन ए होता है जो कि आपके बालों के लिए बहुत बेहतर है। बात यह होती है कि आपके मुंह के टेस्ट को कौन सा टेस्ट पसंद आ रहा है, आपको पापलेट पसंद आ रहा है, आपको सुरमई पसंद आ रही है, या दूसरी मछलियाँ जितनी भी होती हैं, तो आप इसमें ये है कि आपकी च्वाइस पे बात है। अगर आप मछली खाते हैं, आप कम से कम 100 ग्राम से ज़्यादा खा लिया करें ताकि आपके अंदर इसके अच्छे मिनरल्स पाए जाएँ, ताकि जो आपकी जिस्मानी कमजोरी को भी दूर करेंगी और बॉडी को वार्म भी करेंगी आपकी। अच्छा, हम इसको रोस्ट करने रख रहे हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। हमारी कुकिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है, बस एक सॉस बनानी है। अच्छा, मैंने इसके अंदर ऑयल लगाया है थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ साथ जो मैंने मसाला तैयार किया था जिसका मैं रिकैप कर दूंगी, तो मैं ये सब करके इसको 20 मिनट्स के लिए हम रोस्ट करने रख रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर हम रख रहे हैं 180, और दोनों ऊपर की रॉड्स ऑन है, ऊपर की और नीचे की दोनों की रॉड्स ऑन की हुई हमने, और हमने फैन भी ऑन किया हुआ, और 20 मिनट्स के लिए हम इसको रोस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा शाही ना, इसके अंदर जो है ना कैल्शियम भी पाई जाती है, जो मछली होती है उसमें यह है कि जॉइंट्स पेन वालों के लिए ये बहुत बेहतर होती है, जो कि लंगड़ी का दर्द होता है, घुटनों का दर्द होता है, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, पट्ठों के दर्द के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए आप मछली का इस्तेमाल जो है अपने बुजुर्गों को भी कराएं और तमाम लोगों को कराया करें। अच्छा, अब जो है मैंने स्टीम करने रख दी है फिश, इसमें रोस्ट करने रख दिया। अच्छा, साथ साथ हम एक सॉस बना लेते हैं, और सॉस जो है ना ये स्टीम फिश के साथ, जो था स्टीम फिश बना रही हूँ मैं, उसके साथ मैं ये सॉस बना रही हूँ, और ये जो है सॉस हम बनाएंगे ऑरेंज जूस से। आप फ्रेश ऑरेंज जूस भी ले सकते हैं, और अगर अवेलेबल ना हो तो टेट्रा पैक्स में अच्छी क्वालिटी के ब्रांड्स के जूस आते हैं तो आप वो ले लें, तो मैंने एक नॉर्मल टेट्रा पैक लिया है 200 ml
इसकी क्वांटिटी थी और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये पैन में। पैन को मैंने गर्म करने रख दिया था और मैंने इसमें जूस ऐड किया है। अच्छा, ये जूस हमने इसमें ऐड किया है, साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर। चिली फ्लेक्स हैं मेरे पास 1/2 टेबल स्पून, मैं इसमें वो ऐड करूँगी। साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून एंड देन फ्रेश गार्लिक मेरे पास मौजूद है। स्पैचुला ले लेंगे और उससे ये चॉप्ड गार्लिक भी हम इसमें शामिल करेंगे। साथ साथ जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर, पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर मेरे पास यहाँ पर 1/2 टीस्पून मौजूद है और साथ साथ थोड़ा सा पिंच ऑफ मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ जी। तो अब जो है मेरे पास यहाँ मौजूद है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हम इसको थिकन करने के लिए यूज करेंगे और मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। अच्छा, आप मुझे हकीम साहब थोड़ा सा पानी का जग पास कर दें जी। थैंक यू सो मच। अच्छा हकीम साहब, आपको कौन सी फिश पसंद है? मैं सुरमई। सुरमई, अच्छा एक स्पून भी मुझे पास करें। सुरमई से स्पून का क्या ताल्लुक था? सुरमई से स्पून का क्या ताल्लुक था? बिल्कुल जबरदस्त जो है आपने सवाल पूछा सुरमई का, मुझे कहा कि एक चम्मच। अच्छा, एक मुझे ना एक और बात बताएं, मतलब सी फूड में कौन कौन से मतलब फिशेस जी ज्यादा पसंद है? प्राउन्स पसंद है, लॉबस्टर पसंद है, क्या मतलब? मैं प्राउन्स नहीं खाता होता। अच्छा, चलो अच्छा हुआ हमने नहीं बताया। मैं ग्रिल ज्यादातर ग्रिलिंग करता हूँ, बस वही बहुत अच्छा लगता है। और अगर जैसे पापलेट भी हमारे यहाँ पकता है जी और फ्राई भी करते हैं। अच्छा, वो जो कोरमा बनता है फिश वाला, कितना मजे का बनता है ना वो मेरे यूजरी जो है ना, अल्लाह बख्शे मेरी सास को, वो उनको बहुत पसंद था और वो मुझसे अक्सर फिश का सालन और वो मैं कोरमा स्टाइल में बनाती थी, तो मेरे घर में तो ज्यादातर वही बनता था और उन्हें बहुत पसंद था। अच्छा, साथ साथ मुझे जो है ना, आप अपनी जो रेमेडी लेकर आए, हम ये हमारी जो है ना सॉस तो कुक हो गई है और आज हम बात कर रहे हैं हेयर, नेल और स्किन के बारे में ना, तो आप नहीं देखें इसमें जो आज हम बता रहे हैं कि जैसे एड़ियां फट जाती हैं जी, एड़ियां फट जाती हैं बाज लोगों को, एक ये प्रॉब्लम एक एक्स्ट्रा होती है, ड्राइनेस होती है बॉडी पे और इचिंग खारिश महसूस होती है, एक लकीर लगती है, परत सी निकलती है। और दूसरा जो रेमेडी हम बना रहे हैं वो सर पे, फेस पे, दाढ़ी में आपके खुश्की हो जाती है और इचिंग खारिश भी होती है और उससे भी एक परत की तरह खुश्की निकल रही होती है। यानी कि ये विंटर से रिलेटेड, विंटर से रिलेटेड जो है, आप लोगों को जो खुश्की तंग करती है सर्दियों में, ये ड्राइनेस को खत्म करेगी और आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइज रहेगी। तो अच्छा, जो जिस तरीके से सर में खुश्की हो रही होती है, आपने कुछ कहना नहीं? अच्छा, सर में जो खुश्की हो रही होती है उसका, और जो है आप हाथ पैरों की एड़ियां फट जाती हैं जी, बहुत तकलीफ होती है और उसमें खासतौर पर ज्यादातर पांव पानी में नहीं रख सकते हैं आप, सर्फ का काम नहीं कर सकते हैं आप, अगर जिस दिन काम कर लिया उस दिन बुरा हाल हो जाता है। और बाज लोगों के चेहरे तक में खुश्की आ रही होती है, आईब्रोज में खुश्की होती है, दाढ़ी में खुश्की होती है, सर में खुश्की होती है, खवातीन के सर में खुश्की आ रही होती है। तो उसको दूर करने के लिए आपको हम एक छोटी सी रेमेडी बनाकर दिखा रहे हैं। आपने लेना है 1/2 पाव सरसों का तेल। ठीक है, 1/2 पाव सरसों का तेल जी, ये 1/2 पाव सरसों का तेल है। इसके अंदर हम डालेंगे ये कमेला पाउडर है। कमेला पाउडर और कितनी क्वांटिटी? ये 1 चाय वाली चम्मच। अच्छा, आप डालेंगे। सही, ठीक है। और ये साबुत गंधक आमला सार है, साबुत, ठीक है, ये इसका पाउडर है। अच्छा, ये भी हमने 1 चाय वाली चम्मच मिला लिया। सही, इस तरह मिला के आप इसे रख लें और सर पे आप नहाने से पहले ये सर पे लगाएं, दाढ़ी पे लगाएं अगर मर्द हजरात हैं जी, बॉडी पे भी लगा सकते हैं इसको, खवातीन भी लगा सकती हैं और दूसरा सर पे भी लगा सकती हैं। नहाने से 1/2 घंटा पहले लगाएं, 1/2 घंटे बाद आप नहा लें, आप देखना तकरीबन 80% ड्राइनेस खुश्की खत्म हो चुकी होगी इस एक एप्लीकेशन से। और इसे कुछ अरसा यूज कीजिए, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। टोटली इसमें 3 चीजें हैं, 1/2 पाव सरसों का तेल 1 चम्मच कमेला पाउडर और 1 चम्मच गंधक आमला सार का पाउडर। अच्छा, ये हर जगह इजीली हर पंसारी की दुकान मिल जाएगी, किसी भी पंसारी की शॉप से ले सकते हैं ना ये? बिल्कुल ठीक है। और ये
हमने रेडी कर दी एक जबरदस्त एक रेमेडी तो हमारी सर्दियों की रेडी हो गई है। तो अब आपको परेशान होने की खुशकी से बिल्कुल जरूरत नहीं है। हकीम अच्छा, शाना जी ने सर में बाल भी गिर रहे होते हैं, इससे भी ये भी दूर हो जाएगी, क्योंकि बाल टूटता है तो उसकी जड़ पे खुशकी लगी हुई आती है, लगी हुई आती है सर्दियों में, और फिर वो बहुत कपड़ों पे गिर रहे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और कहीं हम जा रहे होते हैं, जब भी हम घबरा रहे होते हैं कि नहीं हमारे बाल इस तरह से गिर रहे हैं झड़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, ये मर्दों के लिए भी और खवातीन के लिए भी, सबके लिए, और बच्चों को भी अप्लाई कर सकते हैं ना, कोई ऐसी चीज तो नहीं है? 5 साल से लेकर 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सही है, एज लिमिट भी बता दिए ताकि कोई इशू नहीं। 5 साल से कम उम्र वाले ना करें, उनका सर वैसे ही कच्चा होता है। कच्चा होता है। अच्छा हाँ, इसके अंदर कमेला पाउडर है और असार है, सही। अच्छा, और इसके अलावा कौन सी दूसरी रेमेडी है? दूसरी रेमेडी हमारे पास है जो एड़ियां फट जाती हैं, आपने देखो होगा सर्दियों में शाइना के लकीरें पड़ जाती हैं चेहरे पे, जी जी जी, और जिल्द फट रही होती है, हाथों पे सुइयां सुइयां चुभ रही होती है बहुत में। अच्छा, तो मुझे बहुत भी यूजुअली ड्राइनेस का हाँ ये प्रॉब्लम है, तो अच्छा चले अब आज मेरा भी मसला हल होने वाला है आप लोगों के साथ साथ। जी जी, हम इसमें ये कहाँ रखूंगी? आप इसे यहाँ रख, यहाँ रख, आपका हाथ, या आप स्टेबल पे आना चाहते हैं तो इधर आते हैं, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे अब काम नहीं है। अच्छा जी, चलें। आप यहाँ, हम आपकी जगह पे कब्जा कर रहे हैं। बिल्कुल आ जाए ताकि सही से, बिल्कुल देखिए इसमें बहुत इजी है इसका, ये है मोम देसी, शहद के छत्ते पे ये पाया जाता है, ठीक है, मोम देसी कहलाता है ये, मोम देसी। हाँ, ये देखें आप इसको गर्म करेंगे ना तो ये पिघल भी जाएगी ये। अच्छा, हम इसको इस तरह कर रहे हैं, आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम इसके अंदर जो है आपने डालना है 2 चम्मच जो है ग्लिसरीन डालेंगे आप, 50 ग्राम मोम देसी में 2 चम्मच ग्लिसरीन डालेंगे, और जैतून का तेल 2 चम्मच, इसको थोड़ा सा ना, जैतून का तेल 2 चम्मच, ठीक है, इस तरह मिला लें, ये नरम सा आपका लोशन टाइप का, वैसलीन टाइप का बन जाएगा। अच्छा ठीक है, और इसे आपने फिर अपनी एड़ियों पे लगाना है, और चेहरे पे भी लगा सकते हैं इसको, हाथ पांव पे लगा सकते हैं, आप देखना पहली एप्लीकेशन में आप कितने बेहतर हो जाएंगे। और इसे जो एड़ियां फट जाती है ना उस पर लगा के रात को आप उस पर सॉक्स पहन लें, अच्छा, और सुबह आप इसे वॉश कर लें, धो लें, आप कुछ दिन करेंगे जी ऐसा हो जाएगा कि जैसे ये एड़ियां फटी ही नहीं थी कभी। अच्छा, बिल्कुल साफ हो जाएगा ये। अच्छा, इसको हम एड़ियों पे और हाथों, ये गालों पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि कराची में इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, सर्दी नहीं पड़ती है। आप केपीके में देखें आप, या बलोचिस्तान में देखें आप, या गिलगित साइड पे देखें नॉर्दर्न एरियाज में, तो वहां पे बहुत शिद्दत की होती है कि लोगों के होंठ गाल सब फट जाते हैं, तो नाक को हाथ नहीं लगा सकते हैं आप, नहीं लगा, तो अच्छा वो ब्लड भी आने का होता है ना, जब बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है तो ब्लड भी आने का होता है, तो उसके लिए अच्छा नाक वगैरह पे भी लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, यानी कि फेस, हैंड और पांव सारी जगह पे, चेहरे पे भी लगा सकते हैं, हाथों पे और पैरों पे और बॉडी पे भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। पता है ना, थोड़ी सी धूप लगती है या बाहर निकलते हैं थोड़ा सा तेज चलते ना, तो जिस्म में सुइयां चुभती हैं, सुइयां, तो ये उसको भी ठीक कर देगी, क्योंकि स्किन फटी हुई होती है ना, तो उसकी वजह से होता ही। अच्छा, जो कराची से बाहर भी हमें लोग देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी, क्योंकि उस साइड पे बहुत ज्यादा जो है ना वो सर्दी पड़ती है, इस्लामाबाद की बात करें, मरी की बात करें, सवाद, नरान, कागान, तो बहुत ज्यादा कराची वाले थोड़ा सा सर्दी के मामले में, लेकिन आ ही जाती है, घूम घाम के आ ही जाती है। अच्छा, साथ साथ जो है वो 2 रेमेडीज इन्होंने बताई है। अच्छा, इसका एक दफा रिकैप कर दें ताकि कोई चीज जो है ना वो मिस ना हो हमारे व्यूवर्स से। तो सबसे पहले तो आप जो पहली वाली आपने बनाई थी, जो आपने बालों की खुश्की के लिए और दाढ़ी की खुश्की, बालों की खुश्की के लिए बनाई थी, तो उसका मुझे बता दें। देखिए, सर की खुश्की और दाढ़ी की खुश्की को खत्म करने के लिए जो हमने 3 चीजों का बनाया था, आधा पाव हमने लिया सरसों का तेल, यानी 120 ml ऑलिव मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल, और कमेला पाउडर उसमें डाला हमने 1 चम्मच, गंधक आंवला सार इसका पाउडर हमने डाला 1 चम्मच। आपकी चीज रेडी हो गई, तैयार हो गई, और ये आपने काफी दिन तक चल भी सकती है ना, ये काफी टाइम चल जाएगा। हाँ, ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि 10 डेज तक भी, अगर आप रेगुलर लगाएंगे 10-20 डेज तक भी, तो ये आराम से चल जाएगी। इसकी स्टोरेज की भी कोई मसला नहीं है, आपने एक बॉटल ले ली, खराब नहीं होती है, खराब नहीं होती है, जबरदस्त। अच्छा, और दूसरी वाली रेमेडी आधा घंटा लगाना है नहाने से पहले, उसके बाद आप नहा लें, आप देखना 80% आपकी खुश्की ड्राइनेस खत्म होगी, जबरदस्त, और सर की इचिंग भी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, जो एड़ियां फट जाती हैं, जिल्द फट जाती है, उसको ठीक करने के लिए हमने लिया 50 ग्राम मोम देसी, ये पंसारी की दुकान से मिलेगा, उनको कहना मोम देसी दे दें, ये शहद के छत्ते का होता है मोम, वो लेंगे 50 ग्राम, उसको थोड़ा गर्म करेंगे वो पिघल जाती है, फिर उसके बाद उसमें 1 चम्मच जो है 1 से 2 चम्मच हमने डाला
ग्लिसरीन और एक से दो चम्मच हमने डाला इसमें जैतून का तेल, जैतून का तेल मिक्स किया, आपकी चीज रेडी हो गई है। और ये आप अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं, हाथ पांव पे भी लगा सकते हैं, पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं। नहाने से पहले लगा लें, फिर नहा लें, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, कोई हर्ज नहीं है, ये रोजाना भी लगा सकते हैं। जबरदस्त चलेंगे, तो बहुत अच्छी आपको आज दो रेमेडीज पता चली। अच्छा साथ साथ हम थाई स्टीम फिश बना रहे थे, और थाई स्टीम फिश के लिए जो मैंने सॉस यहाँ रेडी करी थी इसका भी मैं रिकैप दे दूँ। एक दफ़ा मैंने ऑरेंज जूस लिया, उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून शुगर यानी कि चीनी शामिल करी, मैंने पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर उसके अंदर 1 टी स्पून शामिल करा, गार्लिक पाउडर लहसुन का पाउडर 1 टी स पून शामिल करा, चॉप्ड गार्लिक यानी कि कुटा हुआ लहसुन मैंने 1/2 टी स्पून शामिल करा, पिंच ऑफ सॉल्ट डाला और मैंने इसे कुक किया। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके, इसमें आपने लाल मिर्च भी डाली, जी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली, और सीख लिया आज इन्होंने ये रेसिपी, बिल्कुल नजर इसकी पड़ी थी। रिकैप क्या सही वाला रिकैप हो गया। चलें, अच्छा कुटी हुई लाल मिर्च भी हमने इसमें डाली थी और साथ साथ 1 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लावर शामिल किया, और हमारी ये ऑरेंज सॉस रेडी हो गई है। और जब तक टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से वापस जब हम आएंगे तो हम अपने स्टीम की हुई फिश को भी डिश आउट करेंगे और रोस्ट करी हुई फिश को भी डिश आउट करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और हो चुकी हैं हमारी यहाँ दोनों रेसिपीज डन। और सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ बनाई थी हमने थाई स्टीम फिश, और यहाँ मैंने बारबेक्यू मसाला बना के इसको किया था रोस्ट अवर में 20 मिनट्स। आपने ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, रोस्टिंग टाइमिंग 20 मिनट्स से नहीं है, और इसकी हमने दी थी स्टीम की टाइमिंग 15 मिनट्स। और ऑरेंज सॉस मैंने यहाँ पर रेडी करके रखी हुई है, और ऑरेंज सॉस जब हम बनाते हैं तो उसको किस तरह से इसके अंदर शामिल करते हैं, तो हम इसको इसके टॉप पर ऑरेंज सॉस डालते हैं इस तरीके से, और अब ये हो गई है बड़ी खूबसूरत सी फिश यहाँ रेडी। और साथ साथ जो यहाँ पर मेरे पास सेसमी सीड्स मौजूद हैं, हम इसकी टॉप गार्निशिंग में से ऐड करेंगे। ट्रस्ट मी बहुत मजेदार बनती है, और इसमें कोई ऐसी नुकसानदेह चीज नहीं है, डाइट के हवाले से भी हम बहुत बेहतरीन है। खास जो इसका ये जो आप सफेद तिल डाल रही हैं इसपे, ये एक फुल फॉर्म कैल्शियम होता है। अच्छा जबरदस्त, ये बच्चों की बॉल बिस्तरी यानी बच्चे बार बार यूरिन जो कर देते हैं, बिस्तर जो कर देते हैं, ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। थोड़े से हम इसमें भी तिल, सफेद तिल डाल देते हैं। अच्छा मुझे पसंद बहुत है ये ना, और मैं वैसे भी चलते फिरते अगर मुझे होता तो मैं सही इसके तिल के लड्डू भी मिलते हैं, बहुत मजे के होते हैं वो भी। और अब तो सर्दियां आ रही हैं, और वेलकम किया था हमने आज विंटर सीजन को, और साथ साथ नूर्स फिशरीज मौजूद थे, इनके नंबर्स वेबसाइट पे हमारी चल रहे हैं, हमारी साइड लाइन पे इनके नंबर्स, इनकी वेबसाइट है नूर्स फिशरी के नाम से, इनका फेसबुक पेज है नूर्स फिशरीज के नाम से, इनका यूट्यूब चैनल है और नूर फिशरीज के नाम से, इनका इंस्टाग्राम पेज भी है, वहां जाके आप विजिट कर सकते हैं। इनकी पूरी वेबसाइट है, उसमें विद पिक्चर्स विद प्राइस हर चीज लिखी हुई है, होम डिलीवरी की इनकी सहूलत मौजूद है, तो आपने इस सर्दियों में जरूर यहाँ ऑर्डर करना है और मंगवाना है, और देख लें कितनी फाइन इनकी क्वालिटी है, चला गया इनके पास जबरदस्त। अच्छा जी, इसके साथ ही मुझे और हकीम शाह नज़ीर को और इनकी जो दो अदर रेमेडीज थी उसको भी मैंने डिस्प्ले कर दिया, तो आज हमने बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा। और मैं शाइना आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपके हाथ में बहुत अच्छा जायका दिया है। मैं जब भी आया हूँ इनके हाथ का मैंने खाया, बहुत अच्छा लगा, और यकीन कीजिए कि दिल चाहता है कि बार बार आके खाऊं मैं, बल्कि इनको भिजवाऊं चीजें कि यार आप मुझे बना के दे दो। थैंक यू सो मच, और अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुशोखुर्रम रखे और घर के तमाम लोगों की खुशियां नसीब करे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका आने का भी और इतनी तारीफ करने का भी। और इसके साथ ही अब प्रोग्राम का टाइम हो गया खत्म, बातें तो बहुत सारी करनी थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम दोबारा बुलाएंगे और बहुत अच्छी अच्छी रेमेडी आपको सिखाएंगे। और जब तक के लिए मुझे और मेरी वीनस एच टीवी की टीम को दीजिए इजाजत, और हमारा चल रहा है सी फूड वीक, आपने मिस नहीं करना, हमारा एक भी एपिसोड मंडे टू फ्राइडे चल रहा है, पूरा वीक आपने एंजॉय करना है, हम इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का सी फूड बनाना सिखाएंगे। और मुझे और हकीम
शाह नज़ीर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।